मैं सभी से आपका तारुफ करा देता हूँ। ये हमारे खूबसूरत दोस्त और एक अच्छे शायर, कभी जो भी कुछ मानो इनको, विशाल जा हैं। और ये हमारे मोहित भाई हैं, और ये हमारे बिक्की भाई हैं, जरा इनका ख्याल रखना। ये बहुत, जरा आप नीचे तक दिखा देते हैं इनको। और आप सभी इनको जानते होंगे, हमारे ख्वाद दिलवी साहब हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने कह दिया है। भाई हैं साहिल मंसूरी साहब, आप लोग इन्हें जानते होंगे, पहली बार ही हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा ध्यान रखना। और इनको तो कौन नहीं जानता, फरमान मीर पटेल साहब, पूरी एक शख्सियत। और इनकी इनकी जो पीछे गाड़ी खड़ी है, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, फरमान भाई नई गाड़ी लेके आए हैं, सब लोग हम इसी में जाने हैं, वैसे 9 लोग हैं। हाँ बिल्कुल। और आप इनको जानते होंगे, ये आवाजेश के फाउंडर हैं। वैसे मास्क नहीं उतरवाऊंगा, 2000 रुपए कट जाएंगे इनके खाते से। ये सोएब अलवी जलाल हैं, और जरा एक एक जो इंसान है वो थोड़ा खिसक। मिर्जा साहब, हाँ जी, क्या हाल है आपके, कैसा लगा आपको आज, बताएं जरा लोगों को। किसको सुन के ये बताओ, किसको सुन के कैसा लगा ये बताओ। देखो यार, हर किसी का अपना जोन, तो मजा आया। मैं, तुमने भी टोन लगा दी अपनी। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आपको। चलो ठीक है, अब एक बात, एक सवाल और मिर्जा भाई, आपको ख्वाब भाई को सुन के कैसा लगा, ख्वाब दिल भी साहब हैं, वो मुशायरे वाला लेवल जो पढ़ा है वो। जी, मयारी शायरी हुई ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। आज तो टोटली, आज तो ज्यादातर मयारी शायरी, देखो एक आध लोग का नहीं बोलते, लेकिन ज्यादातर मयारी शायरी हुई है, जो शायरी होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं विशाल भाई? एक चीज और, एक चीज। जी 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 बिल्कुल, जलाल साहब की तरन को छोड़ो, सब माशाल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये अच्छा था, ये अच्छा था। अजीब साल भाई, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विष्णु भाई कहेंगे जो कहेंगे अगली बार। जी, तो इन्होंने जो बात है विष्णु भाई के ऊपर छोड़ दी है, हमारे विष्णु भाई हमारे साथ हैं। जी बताएं। देखिए क्या कोई डायलॉग मार रहा। देखिए बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे आया था सुनने के लिए। जी, जब मुझे पता चला कि मिर्जा भाई आ रहे हैं, हमारे ख्वाब दिलवी साहब, देवेंद्र भाई, हमारे भाई मीर साहब, आप आ रहे हैं एंकरिंग करने, क्या बात है, कभी मौका नहीं मिलता है ऐसे सुनने का। तो हम, मैं तो आपको साइन करने वाला हूँ एंकरिंग के लिए, मैं फैन हो गया। बहुत शुक्रिया भाई, कितने पैसे मिलेंगे? पैसे भी लेते हो आप? अभी सोचेंगे, पैसे में पेमेंट लोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे देंगे ना, पैसे में पेमेंट लोगे ना। देखो भाई, खाली लिफाफा दे सकते हो, लिफाफा देना, लेकिन चलो 2000 रुपए। हाँ ये बात बिल्कुल। अब इसी के साथ हम पहुँचते हैं हमारे खूबसूरत दोस्त और बहुत ही मोहतरम शायर जनाब फरमान मीर पटेल साहब के साथ। मैं नहीं हूँ फरमान भाई। पटेल साहब गुस्सा दिखा दो एक बार, दोबारा वही करने वाले हैं। जी फरमान भाई बताएं, मेरे सवालों का जी आपके ऊपर सवाल है। जी 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 बताएं। मैं जानता हूँ ये सब मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ जमा हुए हुए हैं। हाँ, इसलिए इन्होंने मुझे, हाँ मुझे देखे भाई, मुझे लो, ये जो आवाजेश के फाउंडर हैं, इनका जो है नीचे हो गया है यार, नीचे हो गया है भाई। वैसे ऐसा है, एक इंसान हमारे बीच में ऐसा है जिस पे हम तंज कर सकते हैं, हैं, और वो कभी बुरा नहीं मानता। हाँ, ये बात सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। तो जलाल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं फरमान भाई के बारे में? फरमान भाई बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही बेहतरीन लहजे के शायर है, और हमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब होती है, मैंने बोलता भी नहीं हूँ हमारे इवेंट में, ये फिर भी आ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये सारी गुफ्तगू हो गई है, ये वाला अच्छा था। मैं आपको जो है ना फरमान भाई की गाड़ी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये अभी अभी नई खरीदी है फरमान भाई ने। भाई हम सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, और एक चाय की टपरी पे हमारी जो गुफ्तगू चालू थी वो भी अब तक खत्म ही हो चुकी है।